भर्गो देवस धीमहि। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। हम चाहते हैं कि एक दिन आप अपने फोन के पीछे देखो, उस पर लिखा हो मेड इन राजस्थान, मेड इन डूंगरपुर। स्वागत है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने सुना राहुल गांधी को, राहुल गांधी का नया अवतार भी देखा और इसी के साथ वो नारे भी सुने जो अब कांग्रेस की रैलियों में राहुल गांधी के साथ लगेंगे, बोल बम के नारे। क्या इसी नरम हिंदुत्व को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने उस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां पर मंदिर से होता हुआ ही 2019 का रास्ता उन्हें दिख रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर जबरदस्त प्रहार, उन्होंने कहा है कि गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। क्या यह कहना सही है? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपका परिचय मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। दोनों ही ऐसे वक्ता हैं जो एक दूसरे की बोली बंद करने के लिए अगले एक घंटे तक पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन इस पर भी जवाब देना होगा कि उनके नेता क्या बोल रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सरकार के पैसे से, हमारे पैसे से, आपके पैसे से ये प्रधानमंत्री आते हैं। जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, ये चौकीदार चोर है। ये कैलाशपति शिव की भक्ति का कमाल या कुछ और है? आज ही कांग्रेस ने हरर मोदी के जवाब में बोलबम का नारा अपनाया और राजस्थान से राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा हमला बोल दिया। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान पर सियासी बवाल तो मचना तय है, लेकिन राहुल ने और भी बहुत कुछ बोला जिसे लेकर उन पर तंज कसे जाएंगे। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, 4 साल हो गए। आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, पैंट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, सेलफोन के पीछे देखो, लिखा है मेड इन चाइना। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। हम चाहते हैं कि एक दिन आप अपने फोन के पीछे देखो, उस पर लिखा हो मेड इन राजस्थान, मेड इन डूंगरपुर। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, पीएम और वित्त मंत्री पर राहुल के हमले से कुछ देर पहले ही अरुण जेटली ने राहुल और एनपीए को लेकर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ब्लॉग लिखकर मूर्ख राजकुमार कहकर संबोधित किया था। बहरहाल इन सियासी घमासान के बीच कांग्रेस में एक और घटनाक्रम हुआ जो बदलती राजनीति का संकेत है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने तय किया है कि हर हर मोदी और मोदी मोदी का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में राहुल राहुल के साथ बोलबम से दिया जाएगा। यानी मोदी की रैलियों या जनता के बीच की उनकी मौजूदगी के दौरान मोदी मोदी के नारे लगते हैं, उसी तरह अब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों और बड़े रोड शो जैसे कार्यक्रमों में कांग्रेस राहुल राहुल का नारा लगाकर माहौल को राहुलमय बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जोर शोर से बोलबम के नारे को भी गुंजायमान रखने की रणनीति बनी है। इसकी झलक आज उदयपुर में दिखी। पिछले दिनों वो कैलाश मानसरोवर भी गए थे जिसे लेकर खूब राजनीति हुई। बीजेपी ने उनके कैलाश मानसरोवर जाने पर भी सवाल खड़े किए और कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कैलाश यात्रा का अनुभव बताते हुए राहुल का ये वीडियो भी शेयर किया जिसमें राहुल कुछ नर्वस नजर आए थे। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ, जर्नलिस्ट
जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाता है, सोच बदल जाती है और एक गहराई से आ जाती है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि राहुल कैलाश गए या नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी को बार बार राहुल के हिंदुत्व पर सवाल क्यों उठाना पड़ा। क्या बीजेपी को राहुल के हिंदुत्व से डर लगता है? यहाँ सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी के भक्ति जाल में फंस गए हैं? क्या उनके मंदिर मंदिर जाने और बोलबम नारे को अपनाने से ये नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेल रही है? दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। पवन खेड़ा जी, जी हर हर मोदी के जवाब में बम बम बोले, फंस गए ना आप इनकी जाल में। जाल बिछाई इन्होंने बड़े आसानी से, राहुल गांधी चल के उसमें खुद ही जाके फंस गए। अब यही है आपका एजेंडा 19 का? ये अपने आप को शिकारी मानते होंगे, हम तो इन्हें शिकारी नहीं मानते, ये तो अपने आप को चौकीदार भी मानते थे, बता दिया चौकीदार ने अपनी असलियत। अरे ये अपनी जय जयकार कराते हैं, हम बम बम बोले कर रहे हैं, उसमें इनको आपत्ति क्या? अपना मुकाबला ये भगवान राम से करेंगे, भगवान शिव से करेंगे, ये अपना मुकाबला भगवान से करने लगे, अपने आप को तो भगवान मानते ही हैं। उस वक्त जब 2013-14 में जब ये कैंपेन कर रहे थे, घर घर मोदी हर हर मोदी का जब इन्होंने नारा दिया था, बड़ा प्रिय नारा है मोदी जी को अपना अपने बारे में सुनकर, आरएसएस के कई वरिष्ठ लोगों ने आपत्ति जताई थी कि हर हर मोदी क्या होता है, घर घर मोदी चलिए आप जाइए, जिसके घर जाना है आप जाइए, हर हर मोदी क्या होता है, ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए। आज यही तो इसीलिए तो हालत हो गई इनकी कि आज आरएसएस तक ने रिमोट फेंक दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं इस सरकार से। सफलता के कई पिता होते हैं, विफलता अनाथ होती है। आज मोदी साहब की सरकार को मोहन भागवत ने अनाथ कर दिया, बोला हमारा कोई मतलब नहीं है, सरकार जाने सरकार कैसे चलती ये चलाए। ये हालत इसलिए हुई कि जब आप अपने आप को भगवान बना लेते तो यही होने वाला है। अरे आप इंसान तो बनिए पहले, चले हैं भगवान बनने, भगवान बनने निकले थे, इंसान भी ना बन सके, आप ही का खेल है, अब वो भी खेलना सीख गए हैं। राहुल जी को मैं बोलता हूँ, सुनते आज तक तो जरूर देखते होंगे, 6 बजे का शो तो अवश्य देखते होंगे, इसलिए मैं जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो देख ही रहे हो। राहुल जी को बोलता हूँ, सुनने दीजिए उनको जरा, पाप धोले रे धोले, पाप धोले रे धोले, बोल भोले रे भोले, बोल भोले। जब निकला अंजना जी, जब निकला पूरा राजनैतिक दम, जब निकला पूरा राजनैतिक दम, मिला केवल जिंदगी में राजनैतिक गम, तब बोले बोल भम बोल भम बोल। अब क्या होगा, अब आए हैं बोले के शरण में, अब आए हैं बोल भम की शरण में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम शिव के शरण में आए हैं, ध्यान तपस्या करें, देखते हैं क्या होगा। अंजना जी ऑन सीरियस नोट, अब देखिए जाल हम बिछा रहे हैं, इतने वर्षों तक हिंदुओं के लिए जाल बिछाया, जाल में लिखा था हिंदू आतंकवादी, इतने वर्षों तक ये कहा कि ये जो हिंदू होते हैं, धर्म निरपेक्षता के नाम पर कहा कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है, तो याद करिए क्या कहा था मनमोहन सिंह जी ने। और सबसे बड़ी बात याद दिलाता हूं, आज से 2 साल पहले, नवरात्र अभी आ रहे हैं, आज से 2 साल पहले नवरात्रों की समाप्ति के पश्चात विजयदशमी के दिन, याद करिए लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाके रावण दहन किया था, और जब रावण दहन किया था तो उन्होंने एक हुंकार भरा था, जय श्री राम। राहुल गांधी जी ने अपोज किया था कि अब जय श्री राम बोला जाएगा इस देश में, अब इस देश में जय श्री राम बोला जाएगा। आपको तो अब सूट ही करता है ना, इसीलिए मैंने कहा था जाल बिछाई, हमको तो सूट करता है, हम तो खुश हैं। बोले आप हर हर मोदी बोले, अरे बड़े खुश हैं हम, इसी में मगन रखिए, कोई तो पेट्रोल पे पूछेगा नहीं, कोई आपको नौकरी पे पूछेगा नहीं, ये सारे युवा हैं, सारे युवा हैं, नौकरी को लेकर सबको चिंता है कि कहीं नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अब क्या है, अब तो राहुल जी भी बम बम बोले बोलेंगे, वो कहां नौकरी नौकरी पूछेंगे। देखिए ये तो अब इनसे पूछना पड़ेगा, तो जब मध्य प्रदेश में अभी इनकी मीटिंग हुई थी और राहुल जी वहां गए थे, जाल बिछाई ना इन्होंने सर, आप फंस गए। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं कंप्लीट कर लूं भवन जी, हां शायद मुझसे पूछना। देखिए आप याद करिए कि मध्य प्रदेश में अभी मीटिंग, इनसे तो आप मोदी जी के बारे में पूछिए, हमसे पूछिए राहुल जी, राहुल जी पे बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, यही तो 4 साल से बीमारी है इनको, टॉपिक मोदी जी है, 4 साल से बीमारी ही तो यह है। जैसे जैसे आपका फेवरेट टॉपिक सर मोदी है, वैसे इनका राहुल जी, देखिए हमारे तो हम तो विपक्ष में है, हम अगर मोदी जी के बारे में नहीं बात करेंगे, पवन जी अगर अपनी बात करें, भाई हमने इतनी नौकरियां दी, बताएं
हिसाब दें, जवाब दें। रफेल पे 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में सवाल ने पूछा, अब गुस्सा मत करिए। देखिए मध्य प्रदेश में अभी किस प्रकार से राहुल जी गए थे, तो पोस्टर में तो राहुल जी शिव आराधना कर रहे थे, तो ये गलती हमारी थोड़ी है कि उसमें पोस्टर में क्या डिमांड रखा हो। नहीं करें जी के विषय में कहा, अच्छी बात है। हम तो बोल रहे हैं कम से कम भूला लौट के तो आ रहा है शिव जी के पास। आज से पहले शिव जी, अरे मैं बोल रहा हूँ कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बैंकॉक जाते जाते मानसरोवर आ गए हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इससे पहले छुप छुप के फ्लाइट कहाँ चली जाती थी। हम सब ये युवक हैं, युवा देखिए युवा सोशल मीडिया में, ये जो मेड इन राजस्थान 2014 के मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि राहुल गांधी को हिंदुत्व ओपनली दिखाने के लिए हमें प्रोत्साहन देना, ये आपका एजेंडा था। आप मैनिफेस्टो से जोड़ रही हैं, बताता हूं मैं, बता देता हूं मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, कैसे कर दिया। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर ऑल, अपीजमेंट अगेन, अभी शुरू होंगे आंकड़े। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, मेरे भाई और बहनों, अभी शुरू होने वाला। एक सेकंड मेरे भाई मैं एक, अब देखिए मेरे भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जरा राहुल जी के लिए, आप भूल जाइए क्या बोल रहे हैं, राहुल जी प्रधानमंत्री है कौन है भैया, राहुल जी के लिए उन बोल दीजिए, बम बम भोले के बारे में बात, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, अब तो आप खुश हैं। हम तो हमेशा प्रसन्न हैं। तो एक बार आप भी लगा दीजिए भोले का नारा। हमको जब लगाना होगा राहुल जी नाराज हो जाएंगे, भोले का नारा नहीं लगा रहे। 16 मई आज ही राहुल जी ने लगाएंगे नारा है, भोले का नारा लगा। 16 मई 2019 में स्टूडियो में लगाएंगे, आपके साथ लगाएंगे, जीत कर आएंगे, फिर बात करेंगे। चलिए वो 16 मई 2019 को तो पुनः मानसरोवर जाएंगे, पुनः ध्यान तपस्या में लगाना पड़ेगा। और तो कुछ उपाय नहीं है, और तो कुछ उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। शुरू करिए, क्या शुरू करना है, उज्ज्वला मुद्रा शुरू करिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, सारे काम आगे बोलिए, आगे बोलिए, उज्ज्वला मुद्रा आप बोलिए, सौभाग्य बोलिए, सौभाग्य बोलिए, सौभाग्य आप बोलिए, बोलिए जनधन बोलिए, जनधन। मैं बोल देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ। आपने इन्होंने मुझे कहा शुरू करिए, मैं शुरू कर देता हूँ, मेरे बड़े भाई है, आज्ञा दिया है। उम्र में छोटा हूँ भैया, ऐसे क्या अपनी उम्र, छोटे भाई है, चलो नहीं आप छोटे भाई है, मैं हाँ सही कह रहे, मैं इनसे 15 साल बड़ा हूँ, ये छोटे भाई। एक सेकंड इस पर आएंगे, योजनाओं पर आएंगे पवन जी। देखिए ये मुद्दा दरअसल हम लोग हल्का बना देते हैं, है बड़ा गंभीर। क्या इस देश को धर्म में ही उलझाकर आगे की राजनीति होगी, क्या जो लकीर इन्होंने खींच दी है उसी लकीर को आप भी आगे ले जा रहे हैं, इस पर एक स्पष्ट जवाब दीजिए। क्योंकि आप ही एक साल पहले, मुझे याद है पवन खेड़ा जी जब स्टूडियो में आते थे तो आप ही ज्ञान देते थे कि धर्म तो निजी आस्था है, निजी विश्वास है, इसका नारे लगाने की क्या जरूरत है। जय श्री राम मैं अपने घर में बोलूं और उन्माद के साथ सड़क पर चिल्लाऊं, हाथ में त्रिशूल लेकर, उसमें फर्क करना होगा। आज आप भी वही कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और पहली बार किसी ने पूछा ये प्रश्न, बड़ा अच्छा पूछा, नहीं कोई पूछता नहीं। पिछले 4-4.5 साल से इन लोगों ने अपना तो कुछ करना आता नहीं, सरकार चलाना तो आता नहीं, आप मान लीजिए। हमें भी विपक्ष में रहना नहीं आता, यह भी आप मान लीजिए। हम भी सीख रहे थे, ये नहीं सीख पाए सरकार चलाना, हम सीख गए विपक्ष में कैसे रहते हैं। हमें ज्यादा दिन नहीं रहना सत्ता में आना, हमें विपक्ष में ज्यादा दिन नहीं रहना, इन्हें सरकार में ज्यादा दिन नहीं रहना, चलिए मान लेते हैं। बार बार 4.5 साल से इन्होंने एक कैंपेन चला दिया, ये हिंदू विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। हम अपनी आस्था अपने घर में रखना जानते हैं और घर में ही रखते हैं, लेकिन अगर वो मंदिर जाएं गुजरात में, बाहर रजिस्टर में ये फेक अपनी राइटिंग से लिख दें कि वो हिंदू नहीं है, आपको लगता है हम उसका जवाब नहीं देंगे? क्यों नहीं जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। ये हम पर लांछन लगाते रहें और हम चुप रहें, आप कहते हैं हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके घोटालों को उजागर करते हैं, रफेल का घोटाला, पीयूष गोयल का, और अमित शाह के सुपुत्र जय शाह का। अरे आप मीडिया पे जितना दबाव डाल दें, ऐसे चैनल भी हैं जो चलाते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, छोड़िए आप इस बात, अंजना जी आप पे दबाव डाला जाता है, आप बताइए। अच्छे चैनल हैं इस देश में, सिर्फ एक दो ही नहीं है जो जिन पर आप दबाव डालते हैं। ये लोग निडर लोग भी बैठे हैं यहाँ, ये आने वाले कल के पत्रकार हैं, इन्हें मालूम है दबाव में नहीं आना, डरना नहीं आप लोगों से, छोड़िए इस बात। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज उजागर करते हैं इनके झूठे आंकड़े। 2 करोड़ नौकरियां दे दी, प्रोविडेंट फंड का आंकड़ा दे देते हैं, कहते हैं नौकरियां लग गई, इतना झूठ, इतना झूठ। नोटबंदी को लेकर आतंकवाद खत्म, नक्सलवाद अंजना जी अब तो बहुत लंबा हो गया, काला धन खत्म, अगर सब कुछ खत्म हो गया क्या जरूरत है काला धन, समझे नहीं सर मेरा। आरबीआई की रिपोर्ट आ गई, 99.9% करेंसी वापस आ गई, कहां गया भाई काला धन,
पवन जी यही तो हम कह रहे हैं, यही सब बोलते हैं, रोज उठाते हैं। आपको सिर्फ ये दिखता है, ये मेरी गलती नहीं है इसमें। आपको सिर्फ एक ही नारा सुनाई दिया, आपको ये नहीं सुनाई दिया। आज आपने जरूर पहली बार बोला कि गली गली में शोर है और चौकीदार चोर है, ये भी नारा धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इनकी सरकार की विफलता, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने वाला नारा है। और वो शहनशाह अमित शाह का सुपुत्र जय शाह, अच्छा उसका हमने कितना खुलासा किया, अच्छा। पीयूष गोयल के घोटालों का कितना खुलासा किया, अच्छा। और ये बताइए आप रफेल, अच्छा और बुरा तो अभी 2019 में मालूम पड़ जाएगा। शांत हो जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं तो बैठा ही हूँ। कुर्सी लाइए इनके लिए, अभी तो मैं उठा भी नहीं हूँ। कुर्सी लाइए, 3-4 महीने कुर्सी इनको भी दे दीजिए। अंजना जी अब मैं बोल सकता हूं? नहीं 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 नहीं, अभी कहां बोलोगे। 526 करोड़ का रफेल, अभी सुनने की बारी है, बोलने की बारी खत्म हो गई। 526 करोड़ का रफेल 1670 करोड़ में खरीदने जाते हैं, जब पूछा जाता है तो झूठ बोलते हैं, नहीं ये विमान अलग है। और खुद मोदी जी और राष्ट्रपति उन्होंने अपने हो चुका अपने स्टेटमेंट में बोला कि ये विमान वही है, वैसा ही पड़ेगा युद्ध क्षेत्र। आप डर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, शुरू करता हूं। डर गए कैसे, शुरू करते हो, क्या शुरू करते हो, खत्म होने की बारी आई, आप शुरू कर रहे हो। चलिए आराम से, खत्म हो गई भैया, शांत हो जाओ। शिव जी आपका भक्त क्या कर रहा है, देखिए शांत हो जाओ, शांत शांत। ये देखो मोदी जी आपका भक्त क्या कर रहा है, हम तो शिव भक्त हैं, आप तो मोदी भक्त। अरे भैया शिव जी नेत्री ने खोल देंगे, आपका भक्त देखो क्या कर रहा है, कब तक झूठ का सहारा लोगे। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, आधे घंटे तक रफेल की कीमत बताने से इनकार कर देती हैं इनकी रक्षा मंत्री, झूठ, एक और झूठ कहती है। अंजना जी आप हमें बोल सकते हैं या इसी प्रकार कोई सब पे जवाब दीजिए। अरे इनके प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है रफेल पे जवाब देने की, ये जवाब देंगे। रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं जवाब देने की, ये जवाब देंगे। रक्षा मंत्री से बड़े हो गए या प्रधानमंत्री से बड़े हो गए, एक साथ बोलेंगे कोई नहीं सुन पाएगा। हाँ, शांति से सुन लीजिए। देखिए आज बम भोले के ऊपर आप डिबेट कर रही हैं, मैं सब पे जवाब दूंगा एक एक करके। मैं अभी आपको एक समय सारणी देता हूं। 2008 में टिमोथी रॉजर यूएस के एम्बेसडर के सामने, यही राहुल गांधी जो आज शिव भक्त बन रहे हैं ना, ये शिव भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त है, करप्शन भक्त है, परिवार भक्त है, अपीजमेंट भक्त है। फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। मैं इनके बीच में बोल रहा था अंजना जी, इसी प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं होगा। देखिए मैं अपने समय पे मैंने इनको सुना है, इस प्रकार नहीं चलेगा। अंजना जी आप एंकर है, मैं आपसे कहता हूँ इस प्रकार नहीं चलेगा। मैंने इनको पूरा सुना, इस प्रकार चिल्लाकर नहीं चलेगा। मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा और शांति से बात करके बोला जाए, इस प्रकार नहीं चलेगा अंजना जी, इस प्रकार से नहीं चलेगा। सुन लीजिए, विकास, अरे वैटिकन गोत्र के मेरे भाई सुन लो, न मंदिर मिला ना नौकरी, बताइए वैटिकन गोत्र के शिव भक्त बने हुए बम बम भोले। आप अभी सोनिया गांधी को बोलिए बम बम भोले बोलने के लिए, त्याग दिया, बोलिए सोनिया गांधी को बम बम भोले बोलने के लिए। मैं भी सुनना चाहता हूँ कैसे बोलेगी सोनिया गांधी, बोल नहीं पाएगी बम बम भोले, इतना शर्मनाक, जीभ घूम जाएगा अंदर, इतना शर्मनाक कैंपेन, कैसे शर्मनाक है, कैसे शर्मनाक कोई आंकड़ा। अरे भैया वैटिकन गोत्र का हिंदू कभी सुना है, महंगा क्यों खरीदा, वैटिकन गोत्र का हिंदू आके यहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कर रहा है, जनेऊ धारण कर रहा है, कभी टीका लगा के क्यों, आपने एक बार बोला, क्योंकि आज से पहले हिंदुओं को गाली देने का काम करते थे, आज से पहले ये हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे। कल महेश चंद शर्मा बाटला हाउस एनकाउंटर के जो शहीद है, महेश चंद शर्मा जब उनकी शहीदगी हुई थी तो सोनिया जी तीन रात सो नहीं पाई थी, आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर कह रही थी हाय मेरे मुस्लिमों को मार दिया, हाय मेरे आतंकवादियों को मार दिया। आज हिंदू बन रहे, बम बम भोले कर रहे, आतंकवादियों को लौटे तो शर्म नहीं आ रही। एक सेकंड, एक सेकंड, आप दोनों सुनिए, अब एक सेकंड हो गया, एक सेकंड में हिंदुत्व पर आपकी पार्टी की बपौती तो है नहीं सर, क्यों नहीं है, क्यों रहेगी बपौती है, अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ये ठीक नहीं है, किसी की बपौती नहीं है ना, ना आपकी है ना इनकी है, और हिंदू आतंकवादी नहीं था, नहीं है, सुन लीजिए कान खोल के, कौन कहता है हिंदू आतंकवादी है, ये कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, मैं कहता हूँ जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है उखाड़ के फेंक दो ऐसी पलट के, ये ड्रामा बंद करो, उखाड़ के फेंक दो ऐसी पलट, ये ड्रामा नहीं, हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनो हिंदुओं, गरज के कहता हूँ सुनो हिंदुओं, मैं तुम्हें शपथ दिलाता हूँ, तुम्हें गाली देने वाले, तुम्हें आतंकवादी कहने वाले, उखाड़ के फेंक दो इस गंदी परिवार को हिंदुस्तान की राजनीति से, हिम्मत दीजिए, हिम्मत इतनी गंदी परिवार की, फौरन से आकर इटली से आकर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र करती है, वो उठा के फेंक दो देश की राजनीति से,
आज हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है। षड्यंत्र हो रहा है, तुम्हें दलितों और सवर्णों में बांटा जा रहा है। समय आया है सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी तुम्हें बांट रहे हैं ताकि तुम बन जाओ और देश में इनका राज चलता रहे। कुछ नहीं होने वाला के फेंक दो। अरे आप लोग खड़े हो जाइए, ये लोग चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सर, थोड़ा सा चुप हो जाइए। ये हालत है, इतना तो मोहन भागवत जी को भी हिंदुत्व खतरे में नहीं दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है अंजना जी। इतना तो मोहन भागवत जी को भी हिंदुत्व खतरे में नहीं दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है। अब आप सुनिए सर, अब मैं बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा, बैठ जाइए आप लोग, अब मैं बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा, लोगों का भी सवाल जवाब लीजिए। ये हिंदू हिंदू मत कीजिए सर, हिंदुत्व से अगर नौकरी लग जाती है तो बताइए सब माथे पर हिंदुत्व गुदवा लेंगे इस देश में। अगर हिंदुत्व लिख देने से माथे पर नौकरी लग जाती है तो हम हिंदू लिख देंगे अपने माथे पर। नौकरी पर डिस्कशन करिए, मैं जवाब दूंगा, मैं अभी जवाब देता हूं नौकरियों पर। कुछ लोगों के भी अब सवाल लेंगे, आप लोग हाथ उठाइए जिसको सवाल पूछना है, मतलब कम से कम स्टूडियो स्टूडियो हम लोग उन्माद ना फैलाएं, मुद्दों पर बात करें। आइए पूछे। मेरा सवाल पवन खेड़ा जी से है। सर, इस देश का युवा जब मेरे जैसा युवा 2019 में वोट करने जाएगा तो क्या राहुल गांधी को इस मुद्दे पर वोट देगा कि वो जनेऊधारी हिंदू है, ब्राह्मण की पार्टी है कांग्रेस, या मानसरोवर यात्रा, या हर हर राहुल गांधी के जो नारे हैं बम भोले उस पर देगा? विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल रहे हैं, हम बार बार विकास की ही बात करते हैं, हम बार बार याद दिलाते हैं, नौकरियों के आंकड़े मांगते हैं, हम बार बार इनको कहते हैं किसानों से जो आपने वादे किए वो पूरे कीजिए। आप अपने आप को विकास पुरुष कहकर इलेक्शन जीते हो, आप कम से कम अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा? पूछा था रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा दलितों का अधिकार नहीं है, हम ब्राह्मणों को नहीं कहा था, पार्टी है। आप बताइए ये हुआ तो वही सवाल झूठ बोलने अगर आप इनको मोदी पर बोलने लगे ना सर। नहीं, इन्होंने प्रश्न पूछा, नहीं वो कह रहे कि राहुल गांधी पर क्यों वोट दूं, नहीं नहीं नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं वही उत्तर दे रहा हूं, तो आप उत्तर तो देने दीजिए, मैं वही तो उत्तर दे रहा हूं। मोदी जी पे मत बोलिए। नहीं, मोदी जी पे नहीं बोला, राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पे बोल रहा हूं। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? वो तो खुद ही उठ नहीं पा रहे हैं। अरे आप तो अंधे हैं, खुद ही उठ नहीं पा रहे हैं, आप तो मोदी भक्ति में अंधे हो गए हैं। मोदी भक्ति में जो अंधे हो गए, अब मोदी जी के बैठने का समय आ गया है। अरे बैठने छोड़ दीजिए, आगे आने वाला है। आपको बताता हूँ भैया, ये राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। अरे आप 400 मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, राहुल गांधी लॉन्च नहीं होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, बता रहा हूँ, आप आपकी वजह से हिंदुस्तान नहीं लॉन्च हो पा रहा है, वो हम ही करेंगे। राहुल गांधी से इक्वेट मत करिए भैया, राहुल इज नौजवानों को बेरोजगार घर में बैठा दिया। देखा था राहुल गांधी साइकिल में छोटे व्यापारी की दुकान बंद करवा दी, थोड़ी अब आपकी दुकान बंद होने वाली है, बैठ जाओ। बैठ के राहुल गांधी दुकान बंद होने का सवाल, अगला सवाल, एक सेकंड सर, ये आप धार्मिक मुद्दों पे से थोड़ा सा हट के 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं उन पे सर पेट्रोल डीजल पे आपका क्या कहना है? मोदी जी पेट्रोल डीजल कब कम करवाएंगे ताकि उनके नेक्स्ट वोटर हम लोग बीजेपी को वोट करें सर? और बताइए बताइए, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा, पेट्रोल डीजल अभी एक एक स्टेट अपना अपना वैट कम कर रही है। चुनाव से कितने पहले? एक महीने पहले कम, अभी कम होंगे। और वोटिंग से एक महीने पहले करिएगा, ऐसा नहीं। अंजना जी वाजिब है, बहन का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, आपके डेली लाइफ से अफेक्टेड है। मैं कहूंगा, बहुत ही हम्बली कहूंगा कि जरूर कम होना चाहिए, हर स्टेट कम करेगा। और आपने कहा कि आज हम धर्म पे डिबेट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, टॉपिक ही बम बम भोले है ना, क्योंकि आज अचानक इनको याद आया कि ये हिंदू हैं, अब तक इनको याद ही नहीं आ रहा था। अब जब घर वापसी हुई है तो डिबेट तो होगा थोड़ा बहुत। सर, जैसा कि अभी हमने देखा भाषण में राहुल जी के, कि उन्होंने बताया कि मोबाइल जैसी चीज़ और वो मैन्युफैक्चर राजस्थान और डूंगरपुर में होगी। मैं स्पेशली खुद मैं डूंगरपुर से हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जब वो सत्ता वहाँ थी तब वहाँ ODF और सफाई जैसी कोई इतनी मतलब था नहीं, और अब BJP के सत्ता में आने के बाद वहाँ ODF और स्वच्छता जैसी कुछ चीज़ें आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी वाली चीज़? ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ODF। देखिए, कुछ योजनाएं इन्होंने नारे ज्यादा लगाए, कुछ काम कम किए, नारे ज्यादा लगाए। हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि आपने कॉस्मेटिक काम कर दिया, ऊपर ऊपर से सतही काम कर दिया, और उसके बाद आपने हवाबाजी शुरू की, लफबाजी शुरू की। आपने देखा जैसे ODF मतलब सतही काम, बताइए, मुसलमान वो सब शुरू कर दिया इन्होंने। बात यह है कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाइए, थोड़ा आप कॉस्मेटिक करके बोलोगे मैंने पूरा देश बदल डाला, देश का जन्म ही 2014 में 26 मई को हुआ, उससे पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं, जो ये कहते आए हैं कि उससे पहले जो भी था कुछ नहीं था, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। मोबाइल पे कुछ उत्तर देना, हिंदुस्तान पहले भी था, बाद में भी रहेगा, पहले भी अच्छा था, बाद में और अच्छा होगा, इनके वक्त ही सब कुछ हो रहा है, ये गलत है। मैं एक छोटा सा, क्योंकि भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और अभी आपने अपने बाइट में भी दिखाया कि राहुल गांधी जी मोबाइल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये मेड इन डूंगरपुर होता तो। मैं एक आपकी, आप लोग सब युवा हैं,
जब हम 2014 में सरकार में आए थे तो हिंदुस्तान में दो मोबाइल कंपनियां थी। मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, प्लीज कंप्लीट कर लूं, प्लीज कंप्लीट कर लूं, अंजना जी प्लीज कंप्लीट कर लूं। युवाओं को आपने कहा नौकरी के बारे में बोलना है, जब मैं बोल रहा हूं तो फिर भी चिल्लाया जा रहा है, फिर धर्म के बारे में बोला जाएगा। बताइए, मैं तो बता रहा हूँ आपको विषय चाहिए, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ, फिर भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो कैसे होगा बताइए। झूठ बोल रहे हैं, सेब वाला मोबाइल है। सुनिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनका भी वही है ना सर, कोई भी हो, मैं यूएस वाला है ना, कोई बता रहा हूँ। सुनिए ना, डूंगरपुर वाला तो नहीं है, आपके पास भी डूंगरपुर वाला नहीं है मुझे पता है, मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि जब हम सरकार में आए थे दो मोबाइल कंपनियां थी, आप देख सकते हैं अभी जाके साइट पे 120 मोबाइल कंपनियां, उस समय 3 मिलियन, उस समय देश में 3 मिलियन मोबाइल मैन्युफैक्चर होती थी, अब 11 मिलियन मैन्युफैक्चर होती है। आपको याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने इसी प्रकार अपना मोबाइल दिखाया था उत्तर प्रदेश में, और क्या कहा था कि ये उत्तर प्रदेश के में भी मेड इन लखनऊ आम, मेड इन लखनऊ मोबाइल, और सबसे बड़ी बात कही थी पतीला, ये मेड इन बुलंदशहर पतीला क्यों नहीं होता है। और अमेरिका में जब अमेरिका में जब अमेरिका के राष्ट्रपति छीन लिया एचएएल कंप्लीट कर इस प्रकार 45,000 नहीं हो सकता है। रक्षा मंत्री को आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कि हम हैं क्या, अंजना जी डिबेट तो ऐसे 1 घंटा खत्म हो जाएगा। अरे आप अंजना जी का डिबेट कैसे करानी है, अब बताइए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था कि मेड इन बुलंदशहर पतीला होना चाहिए, और जब ओबामा जी की वाइफ मिशेल ओबामा अपने घर आएगी तो देखेगी खाना बनाते समय मेड इन बुलंदशहर पतीला। आप बताइए, मेड हमने रोका था इनको, 70 साल तक सत्ता में थे, मेड इन बुलंदशहर पतीला बनाते, मेड इन लखनऊ आम बनाते, ये सारा मेड इन 10 जनपद बनाते, खाली पैसा लेके 10 जनपद में, पैसा लेके 10 जनपद में किसने रोका था आपको बनाने, किसने रोका था आपको, किसने रोका था मेड इन बुलंदशहर पतीला बनाने से, बताइए। सब किसकी देन है, इनकी अध्यक्षा मेड इन इटली और उनका अध्यक्ष मेड इन इटली, ये बोल इंडिया का तो मेड इन अध्यक्ष भी नहीं है, और मेड इन इंडिया अगर हमसे हुई तो एक हुई है कि आरएसएस, अरे मेड इन इंडिया अध्यक्ष कब लाओगे ये बताओ, रफेल का मेड इन इंडिया अध्यक्ष चाहिए भैया, एचएल से आपने छीन लिया, इटली में मेड इन इटली अध्यक्ष, उसके बाद मेड इन इटली राहुल गांधी, ये जो मेड इन इंडिया हो गया है ना, ये तो मेड इन इंडिया हो गया आपके नेता, उनकी बात कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक सवाल जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, जल्दी से एक सवाल है संबित पात्रा से, दोनों से सर, दोनों से सर, आप चिल्लाते हो राम राम, ठीक है सर, राम मंदिर 4.5 साल से नहीं बना और ये चिल्ला रहे बम बम भोले सर, इससे देश का तो कुछ भला होने वाला नहीं है सर, देश के लिए क्या हो रहा है। चलिए इसी पर जवाब लेंगे, क्या हो रहा है पूछिए तो घंटों चर्चा हो जाएगी लेकिन कुछ उसका सार निकलेगा नहीं। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सियासी प्रतिक्रिया भी राहुल के बयान पर आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे टिप्पणी की है, और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने बीते दिन क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। एक संदेश उसमें है आज के राजनीतिज्ञों के लिए, शमशान कब्रिस्तान से लेकर तमाम मुद्दों पर क्यों वो बोल रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये राहुल गांधी की तस्वीर के साथ भोले और भोले क्यों लिखा हुआ है, वो दरअसल इसलिए है क्यों कांग्रेस पार्टी में अब जब राहुल गांधी की रैलियां होंगी तो बम भोले के नारे लगेंगे, हर हर मोदी के टक्कर में अब यही रास्ता कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी पार्टी हो, उनका एजेंडा हो, राम मंदिर मैनिफेस्टो में सबसे नीचे हो, किसी से बात छिपी हुई नहीं है, तो क्या बीजेपी की बिछाई हुई जाल में कांग्रेस फंस गई है। लेकिन इसी के साथ नए सिरे से भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है, कहा है गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। स्मृति ईरानी जो कि अक्सर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभालती हैं वो भी जवाब दे रही हैं, सुनिए फिर चर्चा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदू चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री पद के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी जी के मन में कोई भी सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था,
सार्वजनिक रूप से। तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद का तभी सम्मान करते हैं जब गांधी खानदान का कोई वहां बैठा होता है। उनको शायद ये बात आज तक नहीं पची कि गुजरात के गरीब गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पिछले 4.5 सालों से है। संबित पात्रा जी, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के पद का, उस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। रेनकोट पहनकर नहाते थे, ऐसी कुछ भाषा पिछले प्रधानमंत्री के बारे में कही गई थी ना, और देश की संसद में कही गई थी। देखिए, रेनकोट पहन के नहाना, चोर नीच तू चाय वाला है, इन दोनों में तो मुझे बड़ा फर्क नजर आता है। रेनकोट पहन के तो हम में से कोई भी नहा सकता है, उसमें कोई बुराई गाली थोड़ी है। रेनकोट पहन के नहाना, नहा लीजिए रेनकोट पहन के नहाना। देखिए, जहां तक चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं एक बात बहुत सख्ती के साथ बोलता हूं, जो लोग बेल पे बाहर है, 5,000 करोड़ के गबन के बेल पे बाहर है, वो भी 5,000 रुपए के मुचलके पे बाहर हैं आज और जेल की तरफ जा रहे हैं, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं, बेल पे बाहर है माँ बेटे, माँ बेटे ने डकैती की है 5,000 करोड़ रुपए की, डकैत दूसरों को चोर बोलने चले हैं आज, आप बताइए डकैत दूसरों को चोर बोल रहे हैं, वाह कमाल की बात हो रही है। आप जानते हैं सोनिया जी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए की डकैती के कारण आज बेल पे बाहर है और जेल कोर्ट मणिशंकर अय्यर को क्यों निकाला था फिर नीच कहने पर, जब ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना था, जब प्रधानमंत्री को चोर ही कहना था एक दिन, तो नीच कहने पर मणिशंकर अय्यर के खिलाफ क्यों गुस्सा किया था? आप तो शायद भूल गई होंगी, मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत भी नरेंद्र मोदी जी ने, देहाती औरत मनमोहन सिंह जी का इन्होंने क्या हाल किया था बताइए, मनमोहन रैली के सामने रोहिणी की रैली में बोला था, जब फाड़ दिया था, में बोला क्या था, कहा था, नॉनसेंस आपने, नॉनसेंस औरत, मनमोहन सिंह को नॉनसेंस कहने वाले भगवान मानते हैं, जरारोदी करते हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला था, तब कहां गई थी मर्यादा, तब कहां गई थी मर्यादा? मनमोहन सिंह का जो हाल बेचारे मनमोहन सिंह जी तो सर भी नहीं उठाते थे, अरे हर बात पे कहते थे मैनू की पता, मैनू की पता, मैनू की पता, मैनू की पता, और बताइए ये मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी कुछ भी करने से पहले मैडम सांस ले लूं, मैडम खाना खा लूं, मैडम बैठ जाऊं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमने कहा था, संजय बाबू ने उनको कहा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, फेल पे जवाब दो, नौकरी का हिसाब अभी मेड इन डूंगरपुर आप कह रहे थे, मैंने आपको कहा दो मोबाइल फैक्ट्री से, मुझे जवाब नहीं मिला सर, कौन दे रहा था पवन जी, मुझे जवाब नहीं मिला, मणिशंकर अय्यर को क्यों निकाला था? मैं आपको बता रहा हूँ क्या नीच शब्द, मणिशंकर अय्यर तो छोटे मणि है, शिरोमणि तो राहुल गांधी है, एक सेकंड, इनका नौटंकी हो जाने दी, नौटंकी सबसे बड़ा नाटक कंपनी तो राहुल गांधी खोल रखा है, वो तो छोटा मणि शिरोमणि राहुल गांधी, में भी देख सकते हो कॉमेडियन के रोल, हीरो हाँ। भी बन सकते, नहीं नहीं राहुल गांधी के होते हुए कोई रोल हमें मिल ही नहीं सकता है, कॉमेडियन ही बनोगे आपको कॉमेडियन मिल ही नहीं सकता है, और अच्छे कॉमेडियन हाँ। हम आपकी पिक्चर देखने जैसे, आएंगे, हाँ हाँ मैं तो वो मशीन बनाऊंगा, पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना बनाऊंगा, दो सेकंड में 7 टॉयलेट बन गए चंपारण में, हमने असलियत देखी, 2 सेकंड में 7 टॉयलेट मणिशंकर अय्यर को क्यों निकाला था उड़ाते हैं सर, मणिशंकर अय्यर को, मणिशंकर अय्यर को क्यों निकाला, जो मोदी जी के लिए आज वो साबित कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, बोल सकता हूँ राहुल जी को क्या कहते हैं, क्योंकि राहुल जी ने खुद पार्लियामेंट में कह दिया मैं पप्पू मुझे बुलाते हैं, पप्पू मुझे बुलाते हैं, हम मोदी जी को फूकू नहीं बोलेंगे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में खुद कहा, कैसे कहा, मुझे पप्पू बुलाते हैं, मुझे पप्पू बुलाते हैं, मैं क्या करूं, खुद कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना मैं इनको पप्पू कभी नहीं कहता, इतना तो मत फेंको भाई, बड़े फेंकू हो गए लेकिन इतने बड़े फेंकू मत, कोई बात नहीं आप इतने बड़े फेंक देंगे, चिंता मत करिए। मणिशंकर अय्यर को क्यों निकाला था सर? मणिशंकर जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया उसको कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला, कुछ लोगों ने, राहुल गांधी ने गलत नहीं सोचा, कुछ लोगों ने सोचा, इन्हीं से पूछ लीजिए, मणिशंकर जी आपकी पार्टी के होंगे आप बता दीजिए,
बताइए वो मणि को हमारे पार्टी में भेज रहे हैं, ऐसा गुनाह मत करिए। आपके यहाँ तो कहाँ रखेंगे, कौन से लॉकर में रखेंगे ऐसे मणि को बताइए। आपके यहाँ तो तड़ीपार बैठे हैं, आपके यहाँ क्या जरूरत है? चिंता मत करिए सर, वो आप चिंता मत करिए, आपका वो हस्त 2019 में क्या करेंगे आपकी। चलिए हम लोग समझ गए, चूंकि चोर का कोई जाति नहीं होता है, आपको लगा था नीच में जात वाला फैक्टर ना नुकसान कर दे। अपनी बात समझाई, अच्छा मतलब गरिमा से कोई लेन देन नहीं था, जात से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने स्पष्ट किया, जब स्पष्ट किया उन्हें वापस ले लिया। चलिए ठीक है, जहां से चर्चा की शुरुआत हुई थी, एक सेकंड जरा जल्दी से आपको सुना देते हैं मोहन भागवत ने बीते दिन क्या कहा था, उस पर फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे और यहां के युवाओं के सवाल भी लेंगे। और राजनीति लोक कल्याण के लिए चलनी चाहिए, लोक कल्याण का माध्यम सत्ता राजनीति में है, उतनी ही सत्ता की राजनीति चलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये अगर हो गया जो जयप्रकाश जी की आशा थी, जो गांधी जी की आशा थी, उसके अनुसार अपने देश के राजनीतिक वर्ग के लोग चलने लगे, तो फिर ये पांचवा प्रश्न जो है ये आएगा ही नहीं। स्मशान, कब्रिस्तान, भगवा, आतंकवाद, ये सारी बातें होंगी नहीं। ये सारी बातें तब होती है जब राजनीति केवल सत्ता के लिए चलती है, सत्ता के माध्यम से लोक कल्याण के लिए नहीं चलती है। संघ ये बंद संगठन नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ वाक्य बोल दिए, अब उन्हीं वाक्यों को लेकर हम चलने वाले हैं। समय बदलता है, संगठन की स्थिति बदलती है, हमारा सोचना आर्टिकुलेशन ये भी बदलता है, और बदलने की परमिशन डॉक्टर हेडगेवार से हमको मिलती रही है। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता, वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। सुना आपने संबित पात्रा जी, थोड़ा बदला संघ आजकल नजर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि जरूरत है क्या इस तरह के, हिंदू तो खतरे में है, हिंदू हम है, वो बाहर से आई है, वो कैसे हो सकती है, ये नैरेटिव देश का जरूरी है क्या? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, उसी से सब समझ में आ जाएगा। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात संघ करती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में अब रहे नहीं, मगर आप यूट्यूब में उनके उस भाषण को देख सकते हैं, जब वो विदेश मंत्री थे और अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने देखा जिस होटल में वो रह रहे हैं उस होटल का नाम है कनिष्क। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से पूछा, आप तो इस्लामिक कंट्री है, ये कनिष्क कैसे आया, कौन है ये कनिष्क आपका? तो आप जानती हैं विदेश मंत्री अफगानिस्तान का जो मुस्लिम थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कनिष्क हमारा पूर्वज है, हमने पूजा करने की पद्धति बदली है, पुरखे नहीं बदले हैं, पूर्वज नहीं बदले हैं। ये होता है राष्ट्रीयता। यस, यहाँ पर यहाँ इस सभागार में बहुत मुस्लिम भाई या बहने हो सकती हैं, वो हमारे अपने हैं, एक खून है इस मिट्टी का, वो खून भारत का है। जो उसको अलग, हिंदुओं को आतंकवादी और सेक्युलरिज्म के नाम पर केवल और केवल अपीजमेंट की राजनीति, वो हम मंजूर। पवन जी जवाब दीजिए उसका, इनके सवाल जल्दी से। देखिए श्याम आपटे, दयानंद पांडे, देवेंद्र गुप्ता, ये इन लोगों को हमने आतंकवादी बोला, इनको कोर्ट ने आतंकवादी बोला, हमने नहीं बोला। हिंदुओं को आतंकवाद किसी ने नहीं बोला, ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल किया संघीय आतंकवाद हमने नहीं बोला, अमेरिका ने अभी सुशील कुमार बोला, और मोदी जी माय डियर फ्रेंड ट्रंप, राहुल गांधी जी इनके नहीं, मोदी जी ने भी नहीं रोका, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन, आतंकवाद किसने बोला था सर? माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कौन बोलता है? डोनाल्ड ट्रंप, ये सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं? वो उनका मैं बता रहा हूँ, ये मोदी जी के जो राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप बार बार जबरदस्ती गले लगते हैं, गले पड़ जाते हैं ट्रंप साहब के, उन्होंने आतंकी संगठन बोला, आज तक ये चुप नहीं करा पाए, आज तक बदल नहीं पाए। जो मोहन जी भागवत ने बोला, आज इनकी भी सुर बदले नजर आ रहे हैं, आप इसलिए बदले नजर आ रहे हैं, मुझे तो खुशी है कि मोहन जी भागवत को भी जाने लगे आ गया कि हिंदुस्तान सबका है, किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है। लेकिन इन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, मोहन भागवत को भी बड़ा लेट समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया, क्योंकि आरएसएस का भी बड़ी अजीब सी बात है, शोकेस में कुछ और गोदाम में कोई और, शोकेस में बड़े अच्छे गुलदस्ते होंगे, गोदाम तो एक ही है देश में, और बंदूकें होंगी, सारा माल वही रखा है, वहीं आ जाओ, आपको हम सारा माल वही रखा है, 10 जन लेंगे उनसे, आप बड़ी गोदाम है आपकी, एक दिन आप इनको गाइडेड टूर पे ले जाओ। ना ना ना, अरे भैया मुझे नहीं जाना है, हर शो में 10 जनपद में ये है, 10 जनपद में वो है, ऐसा मत बोलिए, सरकार में आप है, पकड़ेगा कौन? वही है, अरे सर आप सरकार है, पकड़िए ना अगर आपको पता है तो।
पकड़िए ना कि खाली बोलते रहिएगा दस जनपद दस जनपद, सरकार आप ही है ना, पकड़िए ना। कर दिया है खुल जा सिम सिम, गोदाम खुल गया है धीरे धीरे। कल देखा आपने कैसे डीके शिव कुमार पर प्रहार हुआ, पैसे आ रहे हैं। चलिए कुछ सवाल लेते हैं जल्दी। बंगारू लक्ष्मण को तो कैमरा में नोट लेते हुए देखा था। किससे सवाल है? पवन जी से माननीय सवाल है। जब पार्टी सार्वजनिक रूप से केरला में गो हत्या करके गो मांस का वितरण करती है, उस पार्टी से कैसे ये अपेक्षा की जाए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मानसरोवर जा रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, गो गंगा गीता, इसका अपमान होगा और भगवान शिव की भक्ति से। एक मंत्री है इस सरकार में किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था मैं बीफ खाता हूं मुझे कौन रोक सकता है। ये उनके शब्द थे। गूगल कर लीजिए अभी बैठे बैठे, गूगल करिए, मेड इन चाइना मोबाइल पे कर लीजिए गूगल, देखिए बीफ कौन खाता है गोवा में। एक मिनट रुक जाइए, इन्होंने मुझसे पूछा है गोवा में इनकी सरकार के मंत्री मांग करते हैं क्या, यूरोप में सबसे ज्यादा बीफ खाते हैं, ये एक महीने पुरानी खबर है। गांधी परिवार तो वहीं से आई है भैया, छोड़ दीजिए बीफ की बात पे अगर बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इटली तक चली जाएगी, रोम तक चली जाएगी, और कहां जाएगी? संबित आजकल कितने गरीब लोग हैं जिन जो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, उनके पास सिलेंडर नहीं है, लेकिन आप उम्मीद लगाते हैं कि आप उनको बोलते हैं कि आधार कार्ड से लिंक कराओ, उनको सब्सिडी देने का उनको वादा करते हैं, लेकिन उनके पास तो सिलेंडर ही नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि वो आपको मतदान दे? अच्छा, सर दोनों का एक साथ जवाब। ठीक है सर, सवाल यह है मेरा, जब आप जब कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे पूछते हैं कि आप प्रोफाइल डील पे जवाब दीजिएगा, तो सर आप मुद्दा भटका देते हैं, ऐसा क्या है सर आप जो उसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते? आप हिंदू मुस्लिम के ऊपर आप डिबेट करने दोनों का जवाब रहे हैं संबित जी। नंबर एक, पहला है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर पे पहले इनसे आप वादा लीजिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की माला नहीं जपे, अपने जवाब दें। देखिए कौन रोक रहा है, देखिए कीमत बताएं और सिलेंडर जवाब देने को तैयार हूं, मगर देखिए पहला सिलेंडर मिलता है वो बताएं। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माला जपना राफेल पे कौन एक्सपोज होने के माला बोलने नहीं दे रहा है, आप देख लीजिए माला जपना आप देख लीजिए। राहुल का नाम नहीं लिया, नाम मत लेना क्यों भैया? अभी तो नाम नहीं लिया, मैं जो नाम लेने वाला हूं राफेल सिलेंडर लिया, सिलेंडर जो नाम निकलने वाले सिलेंडर इज इक्वल टू राहुल गांधी, घर बैठ जाएंगे। राहुल गांधी का मतलब सिलेंडर होता है क्या? ऐसे ऐसे नाम मैंने बोला सिलेंडर, राहुल गांधी का नाम मत लेना, राहुल गांधी का नाम मत लेना, ये आपका राहुल गांधी सिलेंडर है क्या? जो पैसे गए हैं सिलेंडर है, कहां गए हैं? आपका राहुल गांधी सिलेंडर है, नाम जरूर है लेकिन जाने नहीं देंगे। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी दोनों पर जवाब दीजिए। उस बच्चे ने यह भी पूछा कि राफेल पर आप भटका देते हैं, एक सवाल जोड़ लीजिए। जैसा कि देख आप सब जितने भी राजनीतिक पार्टी के हैं, हर कोई अपना अपना बयान दे रहा है, लेकिन कोई भी हम युवाओं को लेके हमारे रोजगार और हमारे पढ़ाई के सिस्टम को लेके कुछ करना नहीं चाहता। देखिए आपने तीन सवाल अभी तक आए हैं, सिलेंडर, राफेल और रोजगार। पहला तो सिलेंडर पे बता दूं, बिल्कुल सही कहा हमारी बहन ने कि सिलेंडर पहुंचे नहीं थे, अब जाके 5 करोड़ घरों में सिलेंडर पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी बात राफेल पे, राफेल पे अरुण जेटली जी ने 15 सवाल पूछे, और मैं बता दूं यहां पे पूरे आंकड़े दिए गए हैं, 9% कम रेट है, जो यूपीए ने कहा था वो नोशनल डील है, कोई डील ही नहीं था। 10 वर्षों तक देश में हवाई जवाब नहीं मिला, 10 वर्षों तक युद्ध विमान तो एक प्रश्न या जवाब चाहते थे, जवाब दे रहा हूं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप बताइए ये राफेल मतलब राहुल फेल, राहुल फेल बनेंगे, राहुल गांधी का फेल अगर हिंदुस्तान में नौकरी 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 उत्तर प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय दिया, हम जीते, धोखा दिया देश की सेना को, धोखा दिया, हम बोले जिताएंगे जी नहीं, हमारे सब प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संबित जी मात देने का एक ही तरीका है, राम मंदिर बनवाइएगा 19 के पहले। हम ही बनाएंगे और कौन बनाएगा, आपको लगता है सोनिया गांधी जी बनाएंगे क्या? 19 के पहले बनेगा राम मंदिर, 500 वर्षों से जिस प्रकार उस पर लिटिगेशन चल रहा था, मैं शुक्रगुजार हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हम जैसे मेरे पास जनेऊ और बम भोले राम मंदिर के विषय को आगे तो बढ़ाया, ये तो बोल रहे थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, और ये तो बोल रहे थे राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, आप बताइए तारीख पूछे कब बनेगा, आप बता दीजिए, आप जो तारीख देंगे उसी बना देंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, इनको बताइए तारीख जो आप देंगे उसी बना देंगे, बताइए। इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बने उनको भी धोखा दे दिया, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बेलचे लेके खड़े हैं, ईंट पत्थर लेके, और हम बनाने नहीं दे रहे। हम और आप, अनंत है ये बहस, अनंत है ये बहस, लेकिन कार्यक्रम का अंत करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।